कड़ाके की ऐसी सर्दी कि लोगों के घर से बाहर निकलते ही हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे में कलयुगी माँ का कलेजा नहीं कांपा, जिसने 9 माह तक अपनी कोख में पल रहे एक मासूम को पैदा होते ही पॉलिथीन में डालकर डस्टबिन में फेंक दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, यमुनानगर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ एक नवजात बच्चा पॉलिथीन में बंद मिला। वहीं हद तो तब हो गई जब इस मासूम को उठाकर कुत्ते नोचने की फिराक में थे। हालांकि एक कुत्ता जब इस पॉलिथीन को लेकर एक दुकान के सामने बैठ गया और जैसे ही उसने बच्चे को नोचने का प्रयास किया, तो तभी दुकानदार की नजर उस पॉलिथीन पर पड़ गई, जिसमें मासूम नग्न हालत में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। बच्चे को देखते ही दुकानदार ने तुरंत पुलिस को फोन किया और इसकी सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और चाइल्ड लाइन डायरेक्टर मौके पर पहुंच गए। यहां देखा कि बच्चे को 2 पॉलिथीन में बांधा हुआ था, जिसके बाद वे उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया है। 8:40 पे SHO का फोन आया गांधीनगर से कि एक बच्चा नवजात शिशु है जो मिला है। अभी मैं उसको हॉस्पिटल में देख के आई हूँ। डॉक्टर का ये कहना है कि बहुत दूर की डिलीवरी नहीं है, 2-2.5 घंटे पहले ही डिलीवरी हुई है। एंड बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, मेल चाइल्ड है, बिल्कुल स्वस्थ है। और वहाँ ये जो लोकेशन जिसमें हम खड़े हैं, इस लोकेशन पर ही कुत्ता लेके आया था, उसे किसी डस्टबिन में फेंका गया होगा और वो सब पॉलीथिन में बिल्कुल नंगा था, बंधा हुआ था। बाद में यहाँ के लोगों ने ही उसको कपड़े से साफ करके उसको कंबल में लपेट के सिविल अस्पताल तक भिजवाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी है, क्योंकि कुत्ता शायद पहले यहाँ, जो लोग यहाँ बता रहे हैं चश्मीर, कि पहले कुत्ता यहाँ बैठा उसको लेके, तो लोगों ने सोचा होगा कि कुछ ऐसे लेके आया होगा खाने की चीज़, फिर उसने उठा के यहाँ इस पेड़ के पास लेके आया, तो उसमें कुछ हरकत नज़र आई, तो जो लोग यहाँ थे जिन्हें लगा कि कुछ हरकत है, इसमें कुछ है, तब उन्होंने खोल के देखा तो उसमें बच्चा था। कैसा बच्चा? बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, जो कोई नहीं, बस हल्का सा उसका डॉगी का कोई दांत सा लगा हुआ है, ज्यादा वो नहीं है, हल्की सी खोंच है, बट अदरवाइज बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा। वहीं पॉलिथीन में मिले बच्चे की जानकारी मिलने के बाद फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालने में जुटी हुई है, ताकि पुलिस उस कलयुगी माँ का पता लगा सके जिसने उसे पैदा करते ही इस तरह से फेंक दिया। तो 12 नंबर पे फोन आया, जिसमें बताया गया कि एक बच्चा चाइल्ड है जो कि डेड बॉडी है। तो जब हमने मौके पर जाके उसको देखा, चेक किया, तो बच्चे ने हरकत की। हरकत करने के बाद हम उसको पॉलिथीन से निकाल के कंबल में लपेट के यहाँ हॉस्पिटल में ले आए। अभी यहाँ पर बच्चा तंदुरुस्त है। किस हालात में था बच्चा? ब्लड से बच्चा हालात तो नवजात ही बिल्कुल ताज़ा पैदा हुआ है। 2-1 घंटे उसको बाहर हवा में रखा गया है, जिससे कुत्ते वगैरह उसको वहाँ तक खींच के लाए हैं, जो कि दुकानदार ने कहा है ऐसे। जानकारी के मुताबिक पॉलिथीन में मिला बच्चा एक लड़का है और वह पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कार्रवाई में जुटी हुई है और उस कलयुगी माँ की तलाश की जा रही है, जिसने इस बच्चे के पैदा होते ही उसे पॉलिथीन में लपेटकर डस्टबिन में फेंक दिया। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक उस आरोपी महिला तक पहुँच पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।